धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में डेंगू ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि कुछ दिन पहले विधायक सुभाष सुधा ने दावा किया था कि स्वच्छता के कारण कुरुक्षेत्र जिला डेंगू मुक्त है। सरकारी लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 3 डेंगू के कन्फर्म मामले पाए गए हैं। नोडल अधिकारी और कुरुक्षेत्र के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर के शर्मा से बात करते हुए कहा कि मरीज अस्पताल में दाखिल हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों की स्थिति अभी स्टेबल है। हमारे कुरुक्षेत्र जिले में अभी तक 3 डेंगू के कन्फर्म पॉजिटिव केसेस मिले। क्या किसी मरीज की डेथ वगैरह नहीं? हमारे यहाँ किसी जो मरीज है उसकी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। और क्या मरीज हॉस्पिटल में दाखिल है, उपचार जारी है? हाँ, हॉस्पिटल में मरीज दाखिल है हमारे यहाँ एट प्रेजेंट। उसकी कंडीशन ठीक है, सुबह हमने उसको देखा था, स्टेबल कंडीशन है। लेकिन उसके साथ में और भी कई बीमारियां हैं, उसके पानी वगैरह में पेट में पानी वगैरह भरा हुआ है और भी हैं, लेकिन वो डेंगू पॉजिटिव है। क्या उनके उपचार के लिए अलग वार्ड और डॉक्टर हैं? बिल्कुल, वार्ड उसके लिए अलग बनाया गया है, डेंगू के मरीजों के लिए सेपरेट आइसोलेटेड वार्ड है। का स्वास्थ्य विभाग का और अपनी सरकार का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने पूरा कंट्रोल किया। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक भी डेंगू का केस नहीं है। इसका एक ही कारण है कि यहाँ पर स्वच्छता का हमने बहुत ध्यान दिया, स्वच्छता के कारण ही कोई डेंगू का केस नहीं हो पाया। हाँ, इसके लिए हमने बड़ा अवेयरनेस चलाया हुआ है। अभी हमने देखा, अभी मैं मीटिंग करके डिप्टी कमिश्नर के साथ से निकला हूँ। हम चाहते हैं स्वच्छ के लिए हम पूरा इस पर जोर दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, सॉलिड वेस्टमेंट प्लांट, जो भी हमने ट्रैक्टर ट्रॉली, जो भी हमने मिनी डंपर, सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। कहीं भी पानी खड़ा है उसके लिए निकासी के लिए, तो इसके लिए पूरी व्यवस्था अभी मीटिंग करके आया हूँ। स्वच्छता पे हमारा कुरुक्षेत्र खास तौर पर ध्यान दे रहा है और मैं दावे से कहूँगा नॉर्थ का नंबर वन शहर स्वच्छ और सुंदर क्षेत्र बनेगा। वीर साहब का, हमारे हेल्थ मिनिस्टर और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ने कंट्रोल रखा। और मैं चाहूंगा जिस प्रकार से क्षेत्र के अंदर एक भी डेंगू का केस नहीं मिला, इस प्रकार से पूरे हरियाणा के अंदर भी एक भी केस नहीं मिलना चाहिए। उनको भी अपना नाम का स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए।